ओम शांति। हम सभी श्रेष्ठ तपस्वियों के लिए अंतर्मुखता, एकांत और फिर मिलती है एकाग्रता, ये तीनों ही अति अति महत्वपूर्ण हैं। हमें अंतर्मुखी होना है, अर्थात स्वयं की वृत्तियों को अंदर की ओर ले चलना है। वृत्तियाँ बाह्य मुखी हो चुकी हैं सबकी, बाहर का सोचना, बाहर की ओर देखना, खाने का और आकर्षण, ये सब बाहर की ओर हो गए हैं। अंदर आत्मा की ओर आकर्षित होना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, बाहर की बातें न सुनना न देखना, ये सब अंतर्मुखता है। इससे चित्त शांत और निर्मल हो जाता है और जो बहुत सारी बिना मतलब की टेंशन और बेचैनी है जीवन में वो नहीं रहती। हम योगियों के लिए एकांत तो वरदान है। एकांत में ही हम अपने से मिलते हैं, अपने को देखते हैं, अपने से गहराई से बात करते हैं, अपना आत्म अन्वेषण करते हैं, सेल्फ एनालिसिस होता है। और ये बहुत ज़रूरी है। जो एकांत में नहीं जाते, जो अपने को नहीं देखते, उन्हें अपनी कमियों का आभास नहीं होता है, उन्हें अपनी महानताओं की भी रियलाइजेशन नहीं होती है, इसलिए वो बहुत चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। हम कितने महान हैं, हमारी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज अंदर में भरी हुई हैं, कितनी गहन शांति और शक्तियों के हम स्वामी हैं, ये हमें अवश्य रियलाइज करना है। तो एकांत का समय सभी को अवश्य लेना है और अपने से बातें करनी है, अपने परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु से बातें करनी है। ये बातें हमें बहुत राहत देंगी। भगवान से बात करना, अपने से बात करना, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं सर्वोच्च स्थिति को बनाने के। इनसे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती जाएगी, क्योंकि एकाग्र होना ये इस समय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। न केवल मनोविकारों ने मनुष्य के मन को भटकाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे साधनों ने भी मन को बहुत बहुत विचलित कर दिया है। इनसे स्वयं को बचाना ये एक चैलेंज होता जा रहा है। साथ साथ कलयुग में सबके अंदर बढ़ती हुई इच्छाएं और तृष्णाएं, असंतोष और तनाव, चिंताएं और परेशानियां, ये भी मन को एकाग्र नहीं होने देती हैं। इनसे मनुष्य की शक्तियां भी बहुत नष्ट हो जाती हैं। तो एकाग्रता के लिए पहली चीज ज्ञान का बल, ज्ञान का चिंतन, और ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान के बल से स्वयं को अनेक बातों से मुक्त करना। क्योंकि हमारी ये एकाग्रता कोई जबरदस्ती होने वाली एकाग्रता नहीं है, इसको हमें बहुत नेचुरल रूप देना है। कर्मेंद्रियां भी बाहर की ओर न भागें, कर्मेंद्रियों के रस समाप्त होते जाते हों, और संसार की इच्छाओं से भी हमें वैराग होता जाता हो। संसार में जो चकाचौंध है, आकर्षण है, कंपटीशन है, धन की बहुत लालसा है, पद पोजीशन पाने की भी होड़ लगी हुई है, इनसे भी हम मुक्त होते चलें। आप कहेंगे इनसे मुक्त कैसे होंगे, ये तो ज़रूरी हैं। इनसे मुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च ईश्वरीय लक्ष्य को लेकर चलता हो। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब त्याग करने के बाद इधर स्पिरिचुअली बहुत सुंदर अनुभव होते हों, तब संसार के आकर्षण हमें अपनी ओर खींचेंगे नहीं। अगर हम उधर से सब कुछ त्याग कर दें और इधर कुछ सुंदर अनुभूति ना हो, तो जीवन में ड्राइनेस आ सकती है, अधूरापन अनुभव हो सकता है। इसलिए इच्छाओं को छोड़कर, इस कलयुगी कंपटीशन को छोड़कर योग की रेस करना है, ये सुंदर लक्ष्य बना लें तो एकाग्रता में बहुत मदद मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है बार बार की प्रैक्टिस। कुछ बार मैं योग अभ्यास के लिए स्थिर होकर बैठना, द
दस दस मिनट चार पांच बार बैठना, यह अभ्यास भी हमें एकाग्रचित होने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं, पर एकांत का समय रोज अवश्य निकालें। ऐसा ना हो टीवी आदि देखने में, नेट पे लगे रहने में एकांत भूल जाएं, तब हम एकाग्रचित हो पाएंगे और इस ईश्वरीय जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।